के लर्निंग प्लेटफॉर्म में और आज हम आपके साथ उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। तो दोस्तों, दो दिनों की छुट्टी के बाद फिर से आप लोगों से मिलना हुआ है। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण हम आप लोगों से मिल नहीं पाते हैं। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसमें भारत रत्न नागरिक संशोधन विधेयक, 16वीं लोकसभा, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे चलते चलते की, और उसके बाद होगा क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले बात कर ली जाए भारत रत्न की। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न क्यों विवाद में है इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो यह विवाद इसलिए है क्योंकि इस बार जिनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था उनमें एक भूपेन हजारिका भी थे। भूपेन हजारिका के पुत्र तेज हजारिका ने नागरिक संशोधन विधेयक के विरोध में यह फैसला लिया है कि वह उनके पिता को जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है उसको वह अस्वीकार कर देंगे, नहीं लेंगे। तो इसलिए भारत रत्न और नागरिक संशोधन विधेयक दोनों अभी चर्चा में है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू की गई थी। आपको पता हो कि भारत रत्न छह क्षेत्रों में दिया जाता है जिसमें समाज सेवा है, कला है, खेल है, सार्वजनिक सेवा है, और इस तरीके का कुल छह ऐसा सेवा है जिसमें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाता है। और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत रत्न से बढ़कर भारत का कोई भी नागरिक सम्मान नहीं है। और पहली बार भारत के 3 महापुरुष को भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया था, जिनमें थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बीएचयू के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, उसके बाद सी राजगोपालाचारी, और उसके बाद डॉक्टर सी वी रमन। यह 3 ऐसे विभूति थे जिनको पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया। इसी साल 26 जनवरी को 3 और व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, जिनमें भूपेन हजारिका, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी और इनके साथ थे नानाजी देशमुख। 3 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। अब जब नागरिक संशोधन विधेयक पर पूर्वोत्तर के राज्यों में घोर विरोध हो रहा है तो भूपेन हजारिका के पुत्र तेज हजारिका ने कहा है कि वह अपने उनके पिता को जो भारत रत्न दिया गया है वह इनको स्वीकार नहीं करेंगे। भारत रत्न मरणोपरांत भी दिया जाता है, तो इससे इसमें बाद में हम बात करेंगे, इससे आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में हम पूछने बोलेंगे। जिस समय क्वेश्चन पूछेंगे उस समय हम आपसे पूछ लेंगे कि हम क्या क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। अब हम बात करेंगे नागरिक संशोधन विधेयक की। नागरिक संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित किया जा चुका है। लोकसभा में भले ही यह पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में घोर विरोध के चलते यह पारित नहीं हो पाया। अब सवाल उठता है कि नागरिक संशोधन विधेयक क्या है। नागरिक संशोधन विधेयक के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को रहने की इजाजत मिलेगी। उनके लिए यह किया गया है। पहले जो नागरिक संशोधन विधेयक था उसमें कोई भी व्यक्ति जो भारत का नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से है, उसको 11 वर्ष भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता प्रदान की जाती थी। लेकिन नागरिक संशोधन विधेयक जब दोनों सदनों से पारित हो जाता तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का है, और उसमें भी गैर मुस्लिम है, अगर वह 6 साल तक भारत में रहता है उसके बाद उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती। हालांकि लोकसभा से भले ही अब पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में इसको पारित नहीं होने दिया गया। अब हम बात करेंगे 16वीं लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, 16वीं लोकसभा का जिक्र करना इसलिए यहाँ पर आवश्यक है क्योंकि कल ही 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। बजट सत्र का कल अंतिम दिन था और इस बार बजट सत्र 12 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक चला। 1 महीने बजट सत्र चला और 1 महीने बजट सत्र चलने के बाद 16वीं लोकसभा का विघटन हो गया है। अब कभी भी 17वीं लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है और चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। जैसे ही विघटन होता है लोकसभा का, उसके बाद चुनाव आयोग के प्रमुख को यह अधिकार है कि वह कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक 2018 की। जी हाँ दोस्तों, बजट सत्र के अंतिम दिन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। तो अब हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक क्या है। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक 2018 के अंतर्गत जो जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक का ट्रस्टी था, ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन इस विधेयक के बाद अब यह संशोधन किया गया है और अब जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष वही हो सकते हैं जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हो। हालांकि कांग्रेस ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उसके विरोध के बाद भी जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया। अब बात करते हैं चलते चलते की। जी हाँ दोस्तों, जिससे हम आपसे जुड़ते हैं यानी कि YouTube की शुरुआत आज ही के दिन की गई थी और आज ही के दिन पूरे विश्व में प्यार का महोत्सव मनाया जा रहा है। आप भी आनंद लीजिए, हम भी आनंद ले रहे हैं, सब लोग मिलकर के इसका आनंद ले। तो हाँ, आज ही के दिन 14 फरवरी को पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है। आप वैलेंटाइन डे मनाइए, अच्छे से मनाइए, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपका इंट्रेंस काफी नजदीक आ चुका है। वैलेंटाइन डे आपके इंट्रेंस परीक्षा को बाधित न करे, इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर में हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया, और आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न कब मिला। आज बस दो ही क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप वैलेंटाइन डे के रस में डूबे रहिए। धन्यवाद।